हम अभी जिस शख्सियत के साथ है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उन्हें कोई परिचय कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि जो शख्सियत अभी हमारे साथ हैं वो इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक और रणनीतिकार के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। और उनकी रणनीतिकार ऐसी है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश के जो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के रणनीतिकार के वजह से अपने पद को प्राप्त किया है और अपनी जीत सुनिश्चित किया है। साथ ही बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्यों बंगाल वगैरह में भी कई राज्यों में उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई है जिससे कई बड़े बड़े दिग्गजों को सफलता मिली है। वो शख्सियत हैं बिहार के प्रशांत किशोर जी, जो कि अभी हमारे साथ हैं, हमारे न्यूज़ नाइन टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर क्या ऐसी स्थिति परिस्थितियां हैं और उस पर उनका क्या विचार है, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपको न्यूज़ नाइन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है कि आपने हमें समय दिया और इस समय का हम सदुपयोग करते हुए आपसे साक्षात्कार लेना चाह रहे हैं। सर, आपका ये हम जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति और समस्याएं और परिस्थितियां पे आपकी क्या दूरदर्शिता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का नमस्कार। मैं बिहार में पहली बार नहीं आया, बिहार का ही लड़का हूँ, यहीं से पला बढ़ा हूँ, यहीं से शिक्षा दीक्षा हुई है, यहीं से इसी मिट्टी से निकले हुए। 2015 में मैं बिहार में आया था। उस समय एक राजनीतिक प्रयोग महागठबंधन के तौर पे किया गया और उसको बड़ी राजनीतिक सफलता मिली। राजनीतिक सफलता ही नहीं मिली, महागठबंधन के साथ साथ एक सात निश्चय का प्रोग्राम भी बनाया गया। वो जनता के सहयोग से प्रोग्राम बनाया गया। सात निश्चय किसी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं थी। बिहार के 40,000 गाँव में सर्वे करके ये पूछा गया था कि सरकार को क्या करना चाहिए। उसके आधार पर लोगों ने बताया था कि बेरोजगारों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, बेरोजगार युवकों को जब तक नौकरी न मिल जाए तब तक उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। लोगों ने बताया कि जो 12वीं से आगे की पढ़ाई है, ज़्यादातर परिवारों की स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें, इसलिए उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई। लोगों ने बताया कि घरों के सामने जो गली है, नाली है, उसमें पानी भर जाता है, जल जमाव की वजह से जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हर गांव और गली में नालियों और गलियों के पक्कीकरण की बात कही गई, हर घर नल के जल की बात कही गई। ये जो सारी घोषणाएं की गई थी ये लोगों ने बताया था और उसको करने के लिए उस समय अनुमान लगाया गया था कि कुल 3,15,000 करोड़ रुपए के आसपास 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन बनाया गया था। मेरी उस समय सोच ये थी कि सरकार जब बन गई, उसका एजेंडा तय हो गया, पैसे की व्यवस्था हो गई, करने के लिए बिहार विकास मिशन बना दिया गया, तो बिहार में परिवर्तन आएगा, बिहार की व्यवस्था सुधरेगी, जमीन परिस्थिति बदलेगी। लेकिन आज 8-9 साल के बाद भी आपको भी मालूम है कि इनमें से ज़्यादातर जो घोषणाएं की गई, जो लोगों को आश्वासन दिया गया, वो हुआ नहीं है। और मैं जो काम करता था अब उस काम को मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद ये तय किया कि जीवन में कुछ दूसरा करना है और सब कुछ 1 साल सोचने समझने के बाद ये फाइनली डिसाइड किया कि बिहार जाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना है। ये सिर्फ एक दल बनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात है। इसका मतलब ये है कि दल अगर बनना है, बिहार में दल बनाने की अगर ज़रूरत है तो दल बनाया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बिहार के समाज में जो सही लोग हैं उनको ढूंढ कर निकाला जाए। और अगर दल बनाना है तो सब सही लोगों के साथ दल बनाया जाए। अगर आप गलत लोगों के साथ दल बनाकर चुनाव जीत भी जाए, सत्ता बदल भी जाए, तो उससे व्यवस्था नहीं बदल सकती है। अगर बिहार की स्थिति को बदलना है तो उसके लिए समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना होगा, उनको एक सही सोच से जोड़ना होगा और सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। इसी दिशा में इस पूरे अभियान को लेकर निकले हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, 3-3.5 साल तक बिहार में चुनाव नहीं होने हैं। ये चुनाव लड़ने लड़ाने की बात नहीं है, समाज को मत कर समाज से अच्छे लोगों को निकालना, उनसे जानना समझना, उनकी बातों से सीखना,
और उसके आधार पर ही बिहार के विकास के लिए अगले 10 साल 15 साल में जो कुछ भी किया जाना है उसका खाका खींचने का प्रयास है। इसी दिशा में निकले हैं और अपने जीवन के 2 साल 4 साल 5 साल जितना समय भी इसके लिए जरूरी है उसको पूरी तरह से बिहार के विकास के लिए और एक यहाँ नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए समर्पित करना चाहते हैं। सर, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे बिहार के कई दिग्गज नेता हैं और एक तरह से देखा जाए वो हमारे लोकतंत्र के नेता हैं और हमारे जनता के नेता हैं, तो वो क्यों आज वो ठीक नहीं है और आपको ठीक लोगों की चुनने के लिए आपको निकलना पड़ा, और क्या गारंटी है कि जिन्हें हम चुनेंगे वो भी सही होंगे भविष्य में या नहीं होंगे, इसका क्या मापदंड होगा कि जिसे हम चुन सकें कि ये हमारे लिए उचित नेता है? देखिए, पहला जो आपने सवाल किया कि जो लोग अभी नेता हैं वो सही हैं कि गलत, ये मैं इस पर टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करना चाहता, ये राजनीतिक वाद विवाद का विषय नहीं है। बिहार जो लोग भी ये दावा करते हैं कि हमने ये काम किया, मान लीजिए कि आरजेडी का ऐसा दावा है, आरजेडी के नेताओं का ऐसा दावा है कि हमने हमारे 15 साल के शासन में हमने आर्थिक विकास किया या नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय की दिशा में हमने काम करा। नीतीश जी का दावा है कि हमने विकास का काम किया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार को मान लें कि जिन लोगों ने जो लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसको अगर सही भी मान लें तो भी बिहार की जो आज स्थिति है उस किसी से छुपी नहीं है। ये राजनीतिक वाद विवाद का विषय नहीं है। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग सब बिहार में है। आज भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, 10,000-15,000 रुपए की नौकरी के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए लोगों को सुदूर राज्यों में जाना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है। ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसलिए है कि बिहार में थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति ऐसी नहीं रही है जिससे कि आपके हमारे स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ सके। जो राज्य आपसे बहुत आगे निकल गए अब आपके पकड़ में आने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको उन राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। बिहार जब नीतीश कुमार, बहुत लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है, मैं भी कह रहा हूं कि कुछ विकास हुआ है, लेकिन एक आंकड़े से आपको बताता हूं। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश में बिहार का नंबर था 28, हम लोग 28वें नंबर पर थे, देश के सबसे गरीब राज्य थे। आज 2022 में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 28वें नंबर पर ही हैं, आज भी हम देश के सबसे गरीब राज्य हैं। तो ये आपको क्या बताता है कि अगर थोड़ा बहुत विकास हो भी गया तो उससे आपकी स्थिति बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आप दशकों के अपने अंडर परफॉर्मेंस से दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे छूट गए हैं। अगर इसको बदलना है तो समाज में आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए, नए लोगों को सत्ता, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। अब आपने कहा कि जो लोग अभी हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पिछले 30 साल से बिहार को चलाए जा रहे हैं। पिछले 30 साल में बिहार में जितने MP MLA बने, चाहे जिस दल के भी हों, अगर आप उन सब की सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कुल 1,250 से 1,500 परिवार के लोग ही इस राज्य को चलाए जा रहे हैं, जिनके पास बिहार की लीडरशिप है, चाहे वो लालू जी हैं या नीतीश जी, या समझिए भाजपा के लीडर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। ये तीनों लोग 75 के आंदोलन से निकले, 75 के आंदोलन को आज 47-48 साल हो गए, उसके बाद से इस राज्य में कोई नया नेतृत्व आया नहीं, कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे उसमें से ज्यादातर लोग आज नीतीश जी के साथ हैं। जो पहले कांग्रेस की राजनीति करता था इस राज्य में वो आज भाजपा की राजनीति कर रहा है। नए लोगों को अवसर नहीं है। कोई भी जो नया आदमी है, सही व्यक्ति है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको राजनीति में आकर कुछ करने का अवसर नहीं है। ज्यादातर लोगों की हिम्मत ही नहीं है कि वो राजनीति में आए। लोगों को लगता है कि जाति की व्यवस्था है, धन बल है, बाहुबल है, कैसे आएंगे, कैसे करेंगे। इसलिए समाज में जो सही व्यक्ति है राजनीति में वो नहीं आ रहा है। दूसरी जो समस्या है, अगर कुछ लोग हिम्मत करके आ भी जाएं तो उनको राजनीतिक संगठनों में काम करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। ये जो पूरा प्रयास है ये राजनीतिक कार्यकर्ता बनाने का प्रयास नहीं है। मैं ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा हूं जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं
जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है, इस सोच, इस मंच, इस दल से वो संस्थापक के तौर पर जो देखता है, जो संस्थापक बनना चाहता है, ये ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास है। ये मजबूत लोगों के ढूंढने का प्रयास नहीं है, ये सही लोगों को ढूंढने का प्रयास है। जो समाज में राजनीति करते हैं लोग, वो मजबूत होने के नाम पर गलत लोगों को चुन लेते हैं। सही लोगों को मजबूत बनाया जा सकता है, हर मजबूत व्यक्ति सही हो ये जरूरी नहीं है। आपने देखा, बहुत बड़ी बात बोला प्रशांत किशोर जी ने कि हम राजनीतिक में तो जा तो सकते हैं लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि क्यों ये बड़ी पार्टियां जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है, जिसकी वजह से नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। और इसके लिए प्रशांत किशोर जी एक पदयात्रा के द्वारा, एक यात्रा के द्वारा नए लोगों को जोड़कर नया अवसर देना चाहते हैं, राजनीतिक अवसर देना चाहते हैं, ताकि राजनीति को बदला जा सके। हम उनसे जानना चाहेंगे कि राजनीति और बिहार की जो प्रशासनिक तंत्र है, इसमें भ्रष्टाचार कितनी जवाबदेह है हमारे पिछड़ेपन की। सर, भ्रष्टाचार जिस तरह बिहार का नाम है, उस तरह भ्रष्टाचार के साथ नाम लिया जाता है, हमारे पिछड़ेपन की क्या वजह है? ये भ्रष्टाचार ही मेन वजह है या कुछ और भी वजह है? देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार ही वजह है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो आप गांव देहात में सुनते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको लोग बताते होंगे, बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। लोगों के मन में सरकार का के लिए जो इज्जत होनी चाहिए, जो डर होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो खत्म हो गया है। आप अक्सर हम लोग सुनते हैं रोड पर कि भैया यहाँ पर अफसरशाही हावी है। ये क्या बताता है? जो नीचे अफसर है, कर्मचारी है, उसको कोई सरकार का डर नहीं है, अपने हिसाब से मनमानी चला रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, उसकी इच्छा होती है तो काम करता है, नहीं इच्छा होती है तो काम नहीं करता है। अभी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि जमीनों का जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो रहा है, इसमें ज्यादातर लोग 30-40% रिकॉर्ड जो बनाए जा रहे हैं वो गलत बनाए जा रहे हैं, क्या गलती हो रही है उसमें? जब लोग उसके लिए, उसको सुधार के लिए जाते हैं, तो 5-15 हजार रुपए तक प्रति बीघा उस सुधार को, आपकी अपनी जमीन है, सरकार उसका रिकॉर्ड उसका ठीक करा रही है, डिजिटाइजेशन करा रही है, और अगर उनकी गलती हो गई तो उसको अपनी सही जमीन के डेटा को ठीक कराने के लिए आपको 5-15 हजार रुपए घूस देना पड़ रहा है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग बता रहे हैं कि 20,000 से 40,000 रुपए तक घूस देना पड़ता है। लोग बता रहे हैं कि मनरेगा में करीब करीब 40-50% कंप्लीट चोरी हो रही है। ये आपको क्या बताता है? सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कोई अफसर डर नहीं रहा है। लोग बताते हैं भैया अफसरशाही हावी है, इसके लिए क्या कीजिएगा? मैं उनको बता रहा हूँ कि अफसरशाही इसलिए हावी है क्योंकि उसकी दो वजह हो सकती है। या तो जो, देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जो जनप्रतिनिधि है वो सबसे ऊपर है, संविधान में जनप्रतिनिधियों को सबसे ऊपर रखा गया, उनके रहते हुए अफसरशाही हावी क्यों है? उसकी दो ही वजह हो सकती है। या तो जो जनप्रतिनिधि चुन कर गए हैं वो नाकाबिल हैं, अफसर ने उसको एक तरह से मेजर कर लिया है और उनको अपनी उंगली पर नचा रहे हैं, या फिर वो जनप्रतिनिधि अफसर के साथ शामिल है करप्शन में, इसलिए वो जनप्रतिनिधि पर, अफसरों पर अंकुश नहीं रख सकता है। तीसरी कोई वजह हो नहीं सकती है, इसलिए करप्शन का ये हालत है। लेकिन इसके साथ एक और बात समझने की जरूरत है, करप्शन है ये कैसे ठीक होगा? करप्शन ठीक करने के लिए आपको सही लोग चुन कर लाने पड़ेंगे। जैसे आपको बुखार लगता है तो आप कैल्पोल खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे, तो आपके बुखार क्षणिक तौर पर नीचे आ जाएगा, 6 घंटे के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर में बुखार आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक नहीं खाइएगा तो बुखार हर 6 घंटे पे आ जाएगा। अगर इस व्यवस्था को आपको सुधारना है तो आपको सबसे पहले लोकतंत्र में जो जड़ में पानी डालना है, वहीं पर सही पौधे का बीजारोपण होना चाहिए। आप सही लोगों को चुन कर लाएंगे तो उससे अपने आप करप्शन थोड़ा कम होगा। आप लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में भागीदार बनाएंगे, उससे भ्रष्टाचार कम होगा। अगर आप योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में समाज को जोड़कर चलेंगे, उनके सामूहिक प्रयास को शामिल करेंगे, तो उससे भ्रष्टाचार कम होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अपने डिसीजन मेकिंग को पब्लिक के साथ साझा करेंगे, तो उससे करप्शन कम होगा। करप्शन कम किसी एक कानून से नहीं हो सकता है, एक भाषण से नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल सुधार, आपको निचले स्तर पर स्ट्रक्चरल सुधार लाना पड़ेगा,
जब तक इस सुधार को नहीं लाएंगे हम लोग बिहार में करप्शन की स्थिति इससे बदतर ही होती जाएगी। जो लोग चुनकर आएंगे, अगर गलत लोग चुनकर आएंगे तो और करप्शन बढ़ेगा। जिसके पास तिजोरी की चाबी है, लोकतंत्र में तिजोरी की चाबी किसके पास है? जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। अगर वो तिजोरी की चाबी जिसके हाथ में वही चोरी कर रहा है तो करप्शन कैसे कम होगा? अभी आपने देखा होगा बीपीएससी एग्जाम का पेपर जो लीक हुआ है, लड़के मुझे बताते हैं, आप पत्रकारों ने भी इस बात को बड़े स्तर पर उठाया है, बीपीएससी में हजारों बच्चों को इतनी तकलीफ हुई, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, लोग जानना चाह रहे हैं किसने लीक किया। 5-7 दिन पहले रिपोर्ट आई है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो पुलिस का की जो खबर हम लोग अखबार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति को एक्यूज्ड के तौर पे पकड़ा गया है उसका फोटो किन लोगों के साथ आया है? पूर्व में जो शिक्षा मंत्री है उनके साथ फोटो निकला है। तो जो शिक्षा मंत्री है या पूर्व में शिक्षा मंत्री है उसके साथ ही पेपर लीक करने वाला बैठा हुआ है, तो पेपर लीक कैसे नहीं होगा? सर, एक बहुत बड़ी समस्या है जो बिहार के साथ है, वो है शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था। तीनों ऐसी व्यवस्था है जो कि एक आम आदमी को लाचार बना देता है। इस व्यवस्था को लेकर आप बिहार में क्या देखना चाहते हैं, क्या देखिएगा और क्या करना चाहिएगा कि बिहार की ये तीनों व्यवस्था सुदृढ़ हो सके? देखिए, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पूरी तरह से ध्वस्त है, ये तो बात सर्वविदित है, सबको मालूम है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने का मंत्र किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसका सुझाव, इसका इस समस्या का निपटारा अगर करना है तो हमें समाज में जो समझदारी है, जो लोगों को नीचे का अनुभव है, उनको जोड़कर और उसके साथ साथ इन विषयों के जो विशेषज्ञ हैं दुनिया भर में, उनकी मदद से हमें 10 साल 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने देश विदेश से 250 से ज़्यादा लोग जो अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं उनको एकत्र किया है। उसमें ज़्यादातर लोग बिहार के हैं जिन्होंने स्वयं से स्वेच्छा से ये बताया है, प्रशांत जी आप बिहार में प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से अपना इसमें योगदान देना चाहते हैं। बिहार के समग्र विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, खेल कूद, कृषि, ऐसे 15 महत्वपूर्ण विषयों पर 10 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। और उस ब्लूप्रिंट में जब मैं पदयात्रा करूंगा, अगले 1-1.5 साल तक लोगों से मिलूंगा, लोगों से जानूंगा, समझूंगा, उनके सुझावों को शामिल करूंगा, फिर उस बात को लेकर और इस कमेटी का जो ड्राफ्ट बना है दोनों को एक साथ मिलाकर बिहार के विकास का जो विजन है हर क्षेत्र का, उसको पब्लिक के साथ पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। आपको, हमको, बिहार की जनता को ये अवसर होगा कि वो देख सके कि हम शिक्षा को सुधारने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं। सिर्फ देख ही न सके, अगर चाहे तो उसमें सुझाव भी दे सके। चुनाव उस समय भी नहीं है, पदयात्रा खत्म होगा उसके 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र का 10 साल के विजन डॉक्यूमेंट को पब्लिक के साथ साझा करेंगे ताकि पब्लिक उसको देखे, समझे, उसका मूल्यांकन करे। अगर सही लगे तो वो साथ चले, अगर सही न लगे तो वो रिजेक्ट करे। ये अवसर हमें जनता को देना ही पड़ेगा, उसी से इसका रास्ता निकलेगा। सर, आपने ये जो यात्रा शुरू की है और जन सुराज के नाम से जो ये पद यात्रा भी शुरू करने वाले हैं, ये चंपारण से शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? और जब आप चंपारण में आए तो आपको क्या लगा यहाँ की समस्या और विकास पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो चंपारण से शुरू करने की बात है, जन सुराज की मूल में महात्मा गांधी की सोच और उनकी जो फिलॉसफी है उसको समाहित किया गया है। जन सुराज के 3 जो फाउंडेशनल पिलर हैं, जो 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं जिस पर जन सुराज की सोच खड़ी है, वो क्या है? सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ये गांधी जी ने जो बताया ये उसी को आज के संदर्भ में फिर से परिभाषित करके लाने का प्रयास है। समाज तब सुधरेगा, समाज में राजनीति बेहतर तब होगी जब राजनीति में सही लोग आएंगे। तो ये जो पूरा मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, आगे पदयात्रा करूंगा, इसके पीछे क्या मतलब है? इसके पीछे रोड नापना नहीं है, मैं कोई 2000-5000 किलोमीटर चल के कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं बनाना चाहता हूँ। इसके पीछे जो सोच है कि सही लोगों को चिन्हित करना है, समाज की समस्या को समझना है, समाज के लोगों से उनके सुझाव लेने हैं, तो उसके लिए उनके घर जाना पड़ेगा, उनके गाँव जाना पड़ेगा, उनके शहर, उनके मोहल्ले जाना पड़ेगा। इसलिए अभी से सेप्टेम्बर तक
हर जगह जो लोग बुला रहा है, जैसे मैं आज पश्चिम चंपारण में हूँ, अभी जा रहा हूँ जहाँ पर कि थारू समाज के सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ उनकी क्या समस्या है। फिर लेकिन ये इतना बड़ा राज्य है, सिर्फ गाड़ियों से चलकर लोगों से मिलने से नहीं होगा, आप कितने गाँव तक पहुँच पाएंगे। इसलिए 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार में हर गाँव, हर शहर, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। चलकर मैं खुद जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बिल्कुल निचले स्तर पर समझने का प्रयास करूंगा कि उनकी क्या समस्या है, उनके क्या सुझाव हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो किसको सही आदमी समझते हैं। फिर उनके सुझावों के आधार पर आगे की परिकल्पना की जाएगी। हम लोगों का अनुमान है कि ये पूरी पदयात्रा करने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। जैसा मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, पदयात्रा ऐसी नहीं है कि मैं 5 दिन चलूंगा और फिर घर जाऊंगा। एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार न कर लें, अगर बीमार नहीं पड़े और कोई फैमिली में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो जब तक पूरा बिहार न कर लें तब तक वापस घर नहीं जाएंगे। जिस शाम में जहां पहुंच गए, जिस गांव में पहुंचे, उसी गांव में सोएंगे, वहीं पर लोगों के साथ समय बिताएंगे और अगले दिन वहीं से फिर चलना शुरू करेंगे। 1 साल लगे या 1.5 साल, बिहार के समाज को उनसे मिलकर, समाज में लोगों से मिलकर उसको मत के सही लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे। उनके सुझाव, उनको उनके आशीर्वाद से ही बिहार के आगे के विकास का 10 साल का खाका खींच कर पब्लिक के सामने रखेंगे। फिर अगर जनता आशीर्वाद देगी, जनता बताएगी, वैसे किया जाएगा। चंपारण को आपने चुना सर, और चंपारण को चुनने के बाद आपको चंपारण से कैसा अनुभव हुआ? चंपारण को इसलिए चुना है कि जो पूरी सोच है वो गांधी जी की, गांधी जी ने जो सिखाया, जो बताया, जो लोगों को समझाया, उस पर आधारित है। और अगर आप बिहार में कोई ऐसा अभियान शुरू कर रहे हैं, जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं और गांधी जी के मूलभूत सिद्धांतों से जोड़कर उसको देखते हैं, तो चंपारण से बेहतर जमीन क्या हो सकती है। यही वो मिट्टी है जहाँ से गांधी को महात्मा बनाया गया, जिस मिट्टी में गांधी जी को सही मायनों में महात्मा बनाया और देश के सामने बताया दिखाया, ये वाल्मीकि की भूमि है। सर, रोकना चाहेंगे हम आपको, इसलिए कि हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उनके आदर्शों की चर्चा करते हैं, उनके आदर्शों, उनके मार्गों पर चलने की करते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम उनके मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं? भाई, चल पाना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी थे, इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने जो प्रतिपादित किया उस पर चल पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कम से कम प्रयास तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सब कहते हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कोई उनका नाम भी नहीं ले रहा है। 2 अक्टूबर को नाम लेना, फूल माला चढ़ाना एक बात है, जैसे मैं, आपने चंपारण का जिक्र किया, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल मैं गया था सतवरिया गांव, महात्मा गांधी को कौन लेकर आया चंपारण में? राजकुमार शुक्ल जी लेकर आए। मैं कल उनके परिवार के लोगों से मिलने गया था, सतवरिया गाँव गया था। आज मैंने वीडियो ट्वीट किया है, आप देखिए, उन चंपारण शताब्दी समारोह के अवसर पर सरकार ने 500 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया है 2017-18 में। उनके घर के सामने घुटने तक कीचड़ लगा हुआ है। उनके पोपट, उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनके जो नाती हैं, 80 साल के बूढ़े व्यक्ति, वो बता रहे थे कि इतनी समस्या है, डीएम को और यहाँ के अधिकारियों को, लोकल प्रतिनिधियों को, एमएलए को, एमपी को कहकर थक गए, उनके घर के सामने ईंट का एक खड़ंजा नहीं बना है। आप क्या गांधी की बात, कौन गांधी जी को पूछ रहा है? आप कह रहे हैं सब बात करते हैं, कोई बात भी नहीं कर रहा है। गांधी जी को छोड़ दीजिए, जो उनको लेकर आए, जिन्होंने चंपारण में ये पूरा अभियान शुरू कराया, उनके घर के सामने आज 70 साल हो गए आज़ादी के, नीतीश जी गांधी जी की बात करते हैं। चंपारण महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया और जिन लोगों ने उस चीज़ को किया, जो उस पूरे आंदोलन के प्रणेता थे, उनके घर के सामने घुटने भर कीचड़ लगा हुआ है, रोड नहीं है। उनके नाम पर एक विद्यालय बनाया गया है, जो कि गांव के लोगों ने और शुक्ला जी के परिवार के दी हुई जमीन पर बनाया गया है। उसका वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। पूरे स्कूल के, विद्यालय के प्रांगण में भैंसे बंधी हुई है, बकरी चर रही है, उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। उनके ग्रैंडसन बता रहे थे कि पिछले कई साल से स्कूल पर मैनेजमेंट कमेटी में कौन बैठे इसके लिए झगड़ा हो रहा है, सरकार ने 1 रुपया उसमें कुछ योगदान नहीं किया है। ये क्या दिखाता है? आप गांधी की बात को फॉलो कर रहे हैं?
आप गांधी जी के बात इस ये चंपारण की मैं बात बता रहा हूँ। कल मैं रामनगर गया था, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में करीब करीब सारी यूनिट मित्र प्राय हैं। एक इंडस्ट्री में बंबू को यूज करके बांस के उद्योग का कुछ किसी ने कुछ शुरुआत करी है, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया था। वहाँ उस क्षेत्र के सारे बुद्धिजीवी, बिजनेसमैन, चीनी मिलों में काम करने वाले बड़े अधिकारी, वहाँ के राजनेता सब आए थे मिलने। वो लोग बता रहे थे कि भयावह स्थिति है। ठीक है, जो 20 साल पहले स्थिति थी उससे कुछ सुधर गया। एक वहाँ पर नाई समाज के व्यक्ति थे जो वहाँ सैलून चलाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं चाहता हूँ आपके दर्शकों को बताऊँ। उन्होंने कहा कि लालू जी के टाइम में, मैंने पूछा लालू जी के राज में और आज के राज में क्या फर्क है, तो उन्होंने बताया लालू जी के राज में लोग गोली रख के गोली के दम पर, बंदूक के दम पर पैसा लेते थे। नीतीश जी के राज में अफसर अपने कलम के दम पर पैसा ले रहा है, इतना ही फर्क। सर, अंतिम में जाते जाते एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि पूरे देश में, खास करके बिहार प्रदेश में, सम्मान लेने और देने की होड़ मची हुई है। वैसे लोगों को भी सम्मानित किया जाता है कि जो कहीं से भी धरातल पे काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान दिया जाता है और यह कहकर दिया जाता है कि उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया इस क्षेत्र में। लेकिन अगर वाकई धरातलीय जांच किया जाए तो वो सम्मान लेने के कोई भी हकदार नहीं पाए जाएंगे। तो इस संबंध में क्या कहेंगे सर, बिहार में ये बिना काम का जो सम्मान देने की परंपरा शुरू हो चुकी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कानून में एक बात कही गई है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, उसी तरह समाज जीवन में अगर कुछ गलत व्यक्ति को सम्मान मिल जाए तो उससे उतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो सही व्यक्ति है उसको उसके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए थी। जिनके पूर्वजों ने या जिन्होंने खुद से अपना खून पसीना इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में लगाया है, उनके साथ असम्मानजनक बात नहीं होनी चाहिए। कल मैं फिर वही आपको बताऊँगा, मैं मोतिहारी में था, वहाँ गांधी आश्रम में जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके उत्तराधिकारियों के सारे परिवार के लोग मिलने आए थे। वो बता रहे थे कि उत्तराधिकारी होने का, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से होने का प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को सालों चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब ये ज़्यादा खतरनाक है, जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने अपना शरीर, अपना खून, अपना अपने जान की का बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया, उसको एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक का अधिकारी या डीएम के ऑफिस में दौड़ाया जा रहा है, साल साल भर दौड़ाया जा रहा है। लोग बता रहे थे कि अकेले पूर्वी चंपारण में 1700 ऐसे परिवार हैं जिसमें कि 1100 लोगों को ये प्रमाण पत्र मिला है, 700 ऐसे लोग हैं जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है। संभव है कि जो नहीं है उनको भी कुछ मिल गया हो, वो तो गलती है, उसको सुधरना ही चाहिए, लेकिन जो सही है उसको तो जरूर मिलना चाहिए। तो सर, फिर किस आधार पर इसे सुशासन की सरकार का नारा दिया गया सर? अब भैया, नारा जो दे रहे हैं उनसे आप पूछिए जो खुद को अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन है। जनता ने सुशासन नहीं बताया है, जनता ने तो सुशासन का दावा करने वाले व्यक्ति और दल को 120 से घटाकर 40 पर ला दिया। सेल्फ सर्टिफिकेशन है, खुद से खुद के शासन को सुशासन बता देना, ये कोई बहुत बड़ी महत्ता की बात नहीं है। लोग जब आपकी बात को सुशासन कहें तब उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाँ, ये देखा आपने, यह है हमारे प्रशांत किशोर जो कि एक रणनीतिकार हैं और इन्होंने बिहार की राजनीति और बिहार की व्यवस्था पे जो टिप्पणियां की और जो बातें बताई वो देखने लायक होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होता है और क्या इस पर सुधार होता है। लेकिन सरकारें सुधार जो करे या ना करे, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने सुधार करने का जो सुराज पद यात्रा शुरू किया है वो लगता है कि बिहार की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई पहल और नई एक पहुंच बनाएगी और ये आने वाले समय में बिहार को एक शिखर पर ले जाने का काम करेगी। आशुतोष कुमार बंडवाल, न्यूज 9 टाइम्स, बेतिया।